प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11वीं वाणिज्य वर्ग आपका विषय है अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो आपको खातों के प्रकार थ्योरेटिकल क्वेश्चन बाद में लेंगे और न्यूमेरिकल कुछ शब्द हैं जो अकाउंटेंसी में आपकी पूरी अकाउंटेंसी में आपके काम आएंगे उसके बारे में आज दे रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट डे का अकाउंटेंस विषय पर खातों का प्रकार, खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट जो आपको इस अकाउंटेंसी के अंदर खाते के प्रकार के अंदर जो आपको सब समझा रहा हूं, सबको आप समझे उसके बाद में ज्यादा आपके बेसिक चीज ज्यादा समझ आएगी। नंबर एक, खाते तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट, नंबर दो वस्तुगत या वास्तविक खाते, ऋण अकाउंट, नंबर तीन लाभानि या नाम मात्र खाते या अवास्तविक खाते। नॉमिनल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं नंबर एक, फर्स्ट आपका है व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट। अब इसमें जो अकाउंट आते हैं उन आपको दस लिखा रहा हूं, इसमें छह भी आपको याद करने हैं, उसके बाद जो शेष जो चार है वो आपके फाइनल अकाउंट में आएगा, उससे आप समझना। व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाते प्रश्न लिखा हूं, नंबर एक कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। अब इसका आश्चर्य क्या है, पूंजी क्या होती है इसके बारे में आपको समझा रहा हूं। कैपिटल व्यापार के स्वामी द्वारा विनिर्जित धन जो व्यापार में जो पैसा लगाता है, माल लगाता है, संपत्ति लगाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। पूरा समझे, पूंजी का आश्चर्य है व्यापार के मालिक द्वारा, स्वामी द्वारा व्यापार में विनिर्जित किया गया धन पूंजी कहलाता है। नंबर दो ड्रॉइंग्स आहरण खाता व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए अर्थात घरेलू प्रयोग के लिए व्यापार से नगद राशि माल कोई संपत्ति निकालता है उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स से हमेशा पूंजी घटेगी। इन दोनों का संबंध व्यापार के स्वामी से होता है, व्यापार का मालिक। अब व्यापार का मालिक और व्यापार दोनों ठीक है, ये आपके आएगा अवधारणा कॉन्सेप्ट, उसमें आपको समझाएंगे। नंबर एक है आपका पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। कैपिटल अकाउंट कहते हैं व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में जो धन, जो राशि, जो संपत्ति, जो माल निवेश किया है, विनिर्जित किया है, लगाया है, जिसके माध्यम से व्यापार प्रारंभ किया जा सकता है, उसको आप बोलते हैं पूंजी। नंबर दो ड्रॉइंग्स, व्यापार के स्वामी द्वारा घरेलू प्रयोग के लिए, डोमेस्टिक यूजेस के लिए, जब व्यापार से नकद माल संपत्ति कोई भी धन राशि वापस निकालता है घरेलू प्रयोग के लिए, उसको आप कहते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट, यानी आहरण खाता। ये भी आपका व्यक्तिगत खाता। नंबर तीन डेटर्स, देनदार
या ग्राहक कस्टमर क्लाइंट व्यापार काश होता है वे व्यक्ति जिनको हमने उधार माल बेचा है, उधार सेवाएं दी हैं, उधार संपत्ति बेची है, उधार पैसा दिया है, अर्थात हम उनसे राशि मांग रहे हैं, उसको आप कहते हैं देनदार डेटर्स। वे व्यक्ति जिनको हमने उधार सेवा माल संपत्ति या राशि उधार दी है, जो हमारी एसेट है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, हम उनसे पैसा मांग रहे हैं, उसको आप कहते हैं देनदार। नंबर चार क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट लेनदार खाता, लेनदार खाता इसका रिवर्स, देनदार अकाउंट का क्रेडिटर्स है वे व्यक्ति, वे संस्थाएं जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, उधार सेवा ली है, उधार पैसा लिया है, उधार संपत्ति खरीदी है, उसको आप कहते हैं लेनदार, अर्थात वे व्यक्ति हमारे से पैसे मांग रहे हैं, बिजनेस के ऊपर कर्जा है, दायित्व है, या आपके देनदार है, आपकी एसेट है, प्रॉपर्टी है, क्योंकि लेनदार व्यापार की लायबिलिटीज है, देता है, एक कर्जा है, उसको कहते हैं लेनदार, अर्थात वे व्यक्ति जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, उधार सेवाएं, उधार माल, उधार संपत्ति, उधार कोई चीज भी है जिसका मूल्य हमको चुकाना बाकी है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है। नंबर पांच बैंक, आप जानते हैं बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंदर आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है, बचत बैंक खाता, और करंट अकाउंट एक बड़ा व्यापारी होगा वो चालू खाता व्यापार का रखता है बैंक में, उस प्रकार से डीआर है, रेपो डिपोजिट है, जितने भी अकाउंट है किसी बैंक में आपके बिजनेस की, उसको आप बोलते हैं बैंक अकाउंट। आप जानते हैं बैंक अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट है, एक संस्था है। नंबर छह किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति फर्म कंपनी सरकार सहकारी संस्थाएं आदि, इतना ज्यादा विश्व के अंदर जितने भी बिजनेस है वो सारी आपकी इकाई कराती है, और उनके जो भी नाम हो उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है, एक व्यापारी हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, कॉपरेटिव संस्थान हो सकते हैं, तो कहने का आशय है उसको अपन व्यक्तिगत खाते की श्रेणी समय करेंगे। ये आपके छह अकाउंट आपके यहाँ होंगे। नंबर एक आपका करंट अकाउंट, ड्रांस अकाउंट, डेट्स अकाउंट, क्रेडिट्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, किसी व्यक्ति फर्म कंपनी आदि, ये सारे पर्सनल अकाउंट कराते हैं। पुनर्वासन कैपिटल, व्यापार के स्वामी द्वारा बिजनेस में जो धन निवेशित किया गया है उसको कहते हैं पूंजी। ड्रॉइंग्स व्यापार के स्वामी द्वारा घरेलू प्रयोग के लिए व्यापार से नकद माल धनराशि जो अर्जित की गई है, निकाली गई है घरेलू प्रयोग के लिए, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। इन दोनों का वास्ता व्यापार के मालिक से होते हैं। कैपिटल जब व्यापार में लगातार पूंजी बढ़ती है, ड्रॉइंग्स से हमेशा पूंजी घटती है। देनदार डेटर्स वे व्यक्ति जिनको हमने उधार माल, उधार सेवा, उधार संपत्ति बेची है, जिनसे अपन पैसा मांग रहे हैं, ये हमारी एसेट है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। फिर आपका क्रेडिटर्स इसका रिवर्स उल्टा, वे व्यक्ति जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, उधार सेवा परचेस की है, या उधार संपत्ति खरीदी है, उधार पैसा लिया है, उसको आप कहते हैं क्रेडिटर्स। ये एक प्रकार की लायबिलिटीज है, कर्जा है। फिर बैंक, आप जानते हैं बैंक जितनी आपके नेशनलाइज है, निजी बैंक है, उसमें आपके बिजनेस का अकाउंट है, या करंट अकाउंट हो, सेविंग बैंक अकाउंट हो, एफडीआर हो, रेकरिंग डिपॉजिट हो, ये सारा अकाउंट है, पर्सनल कराएगा, व्यक्तिगत खाता कराएगा। अब एक किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे का व्यापारी हो, फर्म हो, एचओएफ हो, गवर्नमेंट हो, कंपनी हो, ये सारे जो है ये व्यक्ति, ये आपके व्यक्तिगत खाते के श्रेणी में रखा जाएगा। ये छह तो आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद में तीन चार और है जो फाइनल अकाउंट में आपके एडिशनल आएंगे, और आगे क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सात आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं बकाया व्यय, बकाया या अदत व्यय, अदत व्यय, इसके बारे में आपको डिटेल आगे समझाऊंगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे फिर भी आप वापिस हो गए
ऐसी वे जिन प्रयोग का संबंध चार वर्ष है लेकिन चुगल बाकी है उसको बोलते हैं एक्सेसिव। इसको भी व्यक्तिगत फ्रैक्चर की श्रेणी में रखा गया है। नंबर आठ प्रिपेड प्रिपेड एक्सपेंसेस पूर्वगत वे पूर्वगत एडवांस उपाय है पूर्वगत वे या अग्रिम चुकाए गए वे अग्रिम चुकाए गए वे ये भी आपके प्रश्न में अकाउंट है इस पार्टी से नहीं। नंबर नौ एक्यूड इनकम बकाया आय या उपार्जित आय ये बकाया कह सकते हैं। नंबर दस अनअर्न्ड इनकम इसको आप कह सकते हैं अग्रिम प्राप्त आय इसको बोलते हैं अग्रिम प्राप्त आय या लिखता हूं अग्रिम प्राप्त आय। अब इसके जो चार जो मैंने लिए पीछे वाले हाउस में प्रिपेड एक्टिव अनर्न इसकी स्पेशल मैं आपको फंड अकाउंट एडजस्टमेंट एक पार्ट आपका आएगा जो आफ्टर डे की बात होगा उसमें आपको विशेष रूप से समझाऊंगा। अभी आप ये छह पॉइंट याद रखें इसमें आपका कैप अकाउंट है ड्रॉइंग्स है डेटर्स क्रेडिटर्स बैंक इस व्यक्ति फर्म का नाम आदि फिर आपका आउट एक्सपेंसेस एंड बकाया या आदत वे प्रिपेड एक्सपेंसेस यानी पूर्वगत वे ऐसे वे जिन व्यय का ताल्लुक चालू वर्ष नहीं लेकिन एडवांस चुका दिए हैं और एक्टिव इनकम ऐसी आय जिस साल का वास्ता चालू वर्ष है लेकिन प्राप्त होना बाकी है और अनअर्न्ड इनकम एडवांस आपको आय प्राप्त हो गई है इस साल से वास्ता नहीं उस आय का लेकिन एडवांस प्राप्त हुई है ये आपके 10 अकाउंट जो है आपके पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। अब इसका नेम आपको लिख रहा हूं या देखा व्यक्तिगत खाते का नेम जब आप रोज नाम चाहे जनरेटी सुनेंगे तो अभी बहुत काम आएगा। व्यक्तिगत खाते का नियम पाने वाले व्यक्ति डेबिट ना डीआर इसका मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा डेबिट और क्रेडिट है क्या आगे समझूंगा। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट डीआर को डीआर नाम हिंदी में बोलते नाम करो तथा देने वाले व्यक्ति हो इकाई हो संस्था हो व्यक्ति को क्रेडिट यानी जमा सीआर स्वरूप सीआर जमा कर। अब इसका जो नियम आपको अच्छे से याद होना चाहिए पाने वाले व्यक्ति हो संस्था हो जो भी इकाई है उसको डेबिट करेंगे और देने वाले यदि किसी व्यक्ति ने हमको दिया है हम उसको जमा करेंगे क्रेडिट करेंगे। ये आपको व्यक्तिगत खाते का नियम हो गया। तो फर्स्ट आपने सिखाया व्यक्तिगत खाते में कौन कौन से अकाउंट आएंगे और इसके नियम क्या है। अब मैं एक और ले रहा हूं नंबर दो वस्तुगत या वास्तविक खाता सही जो आपका है वो है वस्तुगत खाता वास्तविक खाता रियल अकाउंट या देखो अच्छे से। नंबर दो वस्तुगत खाता यानी वास्तविक खाता
री लेता हूं। अब इसको मैं आपको तीन श्रेणी में बांट के समझा रहा हूं, वस्तुगत खाते के अंदर। नंबर एक माल संबंधी गुड्स, माल संबंधी वस्तुगत खाते। गुड्स के बारे में, गुड्स है माल, क्या समझिए माल क्या होता है, वह वस्तु जिसको क्रय करने का उद्देश्य वापस बेचना हो उसका आप माल देते हैं। जैसे कपड़े का व्यापारी है उसके लिए कपड़ा में क्लॉथ गुड्स है, फर्नीचर का व्यापारी है उसके लिए फर्नीचर आपका माल हो जाएगा, कंप्यूटर व्यापारी है उसके लिए कंप्यूटर माल हो जाएगा। तो माल गुड्स का अर्थ होता है ऐसी वस्तु या ऐसा उत्पाद प्रोडक्ट जिनके खरीदने का उद्देश्य को ना बेचना हो उसको आप कहते हैं माल। अब इसमें पांच बातें आती है, नंबर एक परचेजेस, नंबर एक परचेजेस यानी क्रय, परचेजेस अकाउंट यानी क्रय खाता। नंबर दो सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता, विक्रय खाता। नंबर तीन परचेज रिटर्न, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। आप इसका एक और मीनिंग आपका रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड यानी क्रय वापसी खाता, क्रय वापसी खाता। नंबर चार सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट यानी रिटर्न्स इन वर्ल्ड, इसका दूसरा नाम है रिटर्न्स इन वर्ल्ड अकाउंट, विक्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी खाता। नंबर पांच स्टॉक, स्टॉक यानी स्कल यानी रहतिया, इसके निमा में रहते कर सकते हैं, स्कल कर सकते हैं। स्टॉक का अर्थ होता है वर्ष के अंत में वह माल जो बिकने से रह गया उसको अंतिम स्टॉक, वही स्टॉक अगले दिन वर्ष के प्रारंभ में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। स्टॉक के दो रूप है, नंबर एक ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ने प्रारंभिक रह दिया, प्रारंभिक रह दिया। और सेकंड आपको होता है क्लोजिंग, नंबर दो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया, अंतिम रहतिया। कहने का अर्थ ये है कि माल का जो मापन होता है वर्ष के अंत में इसको कहते हैं स्टॉक। इसमें माल भी आता है, कच्चा माल भी आता है, तैयार माल भी आता है, स्टॉक्स भी आता है, कलपुर्जे भी आते हैं। तो स्टॉक का अर्थ होता है माल का एक मापन, दो रूपों के ओपनिंग क्लोजिंग। वर्ष के अंत में जो माल बिना बिका रह गया है उसको आप कहते हैं अंतिम स्टॉक, वही माल अगले दिन अर्थात नए वर्ष के प्रारंभ में उसका नाम हो जाएगा अपने स्टॉक ने प्रारंभ में रख। अब इसको आप पूरा समझे, नंबर एक परचेज वह वस्तु या उत्पाद जो विक्रय के उद्देश्य से जो खरीदते हैं उसको कहते हैं परचेज अकाउंट, जो कि आपको वस्तु में खाता है। लेकिन हमने इसकी कैटेगरी बनाई, श्रेणी बनाई है माल संबंधी गुड्स के पांच रूप है। परचेज जो माल हमने खरीदा है, जो उत्पाद परचेस किया है या जो रॉ मटेरियल परचेस किया है और उससे अपन माल तैयार करेंगे वो कहलाएगा परचेजेस। फिर आपका सेल्स जो माल आपने खरीदा है उसको विक्रय करते हैं और एक लागत में उचित लाभ जोड़कर आप विक्रय करते हैं उसको आप बोलते हैं सेल्स, सेल्स अकाउंट। परचेजन जो माल आपने खरीदा है उसमें से कुछ माल किसी कारणवश या संपूर्ण माल किसी कारणवश उस विक्रेता को वापस लौटा देते हैं उसको आप कहते हैं परचेज रिटर्न। ठीक उसका रिवर्स जो माल हमने ग्राहकों को क्लाइंट्स को देनदारों को बेचा है उनमें से कुछ माल या संपूर्ण माल वापस हमारे व्यापार में रिटर्न हो जाता है, वापस आ जाता है, उसको आप कहते हैं सेल्स रिटर्न। स्टॉक यानी गुड्स के मापन का तरीका है, इसके दो रूप है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इन्हें कहते हैं इसमें रह दिया। अब ये माल समझे आपके पांच अकाउंट है जिसको रखा है वस्तु की श्रेणी के अंदर। अब आपको समझा रहा हूं नंबर दो, इसी का सेकंड रूप है संपत्ति समूह, संपत्ति
संबंधित, इसको आप परिसंपत्ति भी कर सकते हैं, एसेट। अब ध्यान रखना एसेट के अलग अलग रूप है, इसमें स्थायी है, परिवर्तनशील है आदि और भी रूप होंगे। तो संपत्ति में कौन कौन से अकाउंट होंगे? नंबर एक कैश, कैश अकाउंट, रोकड़ खाता, रोकड़ या नकद, रोकड़ या नकद खाता, ये भी वस्तुगत खाते की कैटेगरी है। गुड्स के बारे में पांच लिए, अब मैं संपत्ति के बारे में आपको समझा रहा हूं जो भी वस्तुगत खाते की लिस्ट में आते हैं। फिर आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट विनियोग, विनियोग निवेश, फिर नंबर तीन फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, पिक्चर्स एंड फिटिंग, पिक्चर्स एंड फिटिंग, उपस्कर बोलते हैं फिल्मी में, उपस्कर तो दुकान के अंदर जो आपने फिक्चर्स बनाए उसमें गुड्स रखने रखा जाता है, जिससे ग्राहक आपको शुरू के माल को परचेज कर सके, ये विज्ञापन का काम करता है। नंबर पांच प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी यंत्र एवं मशीनें। नंबर छह ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट ने कार्य उपकरण, कार्य उपकरण ऑफिस में जो काम आपकी मशीन है। नंबर सात, नंबर सात कंप्यूटर, नंबर सात कंप्यूटर, नंबर आठ मोटर कार, मोटर कार वैन हो सकता है, मोटर कार है, वैन, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, साइकिल, बाइसाइकिल आदि। नंबर नौ ब्याज, फर्नीचर है, पिक्चर्स फिटिंग है, कार्ड मशीनरी है
और ऑफिस में काम आने वाले उपकरण है, कंप्यूटर है, मोटर कार, वैन, मोटरसाइकिल, बाइसिकल आदि गोल्ड एंड सिल्वर, कई बार हमारे पास फालतू का शॉप पड़ा रहता है तो हम उसको गोल्ड में लगा देते हैं, सिल्वर में, फिर अच्छा भाव वाले पर बिक्री कर देते हैं। लाभ स्टॉक प्रशोधन है, उसके बाद में आपका गुडविल यानी अच्छा नाम, उसकी लोकप्रियता, ख्याति, और उसके बाद पैटर्न कस्टमर है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, बिल्स रिसीवर है और पैकिंग मशीनरी है। ये मैंने कुछ नाम गिनाए आपको, ये संपत्ति संबंधी वस्तु खाते की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में नंबर तीन सर, इसमें एक आएगा दायित्व संबंधी, दायित्व संबंधी, दायित्व संबंधी वस्तुगत खाते, वस्तुगत दायित्व संबंधी वस्तुगत खाते सिर्फ एक आएगा, यानी लाइब्रेरीज के बारे में, उसमें तो लाइब्रेरीज देता है, इसको आप कह सकते हैं देताएं, देयताएं। इसमें एक आता है बिल्स पेबल, सिर्फ एक अकाउंट, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल यानी दे बिल, ये अलग से निशान आएगा आपका दे बिल। ये मैं जो नाम बनाया आपको, इसमें कैश है, नकद राशि है, विनियोग है, फर्नीचर है, पिक्चर्स फिटिंग है, प्लांट मशीनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, मोटर कार, वेयर आदि, गोल्ड एंड सिल्वर, लॉन्ग स्टॉक, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और बिल्स रिसीवेबल, ये कुछ नाम है आपका, ये आपकी संपत्ति संबंधी वस्तुगत खाते हैं। और दायित्व में एक आपको नाम लिखाया है, वो आपका है इसमें बिल्स पेबल या बीपी, इसको आप शॉर्ट में बीपी भी कह सकते हैं, बीपी बिल्स पेबल। और यहाँ जो बी आर आपने लिखा है जगह बी आर, वो आपका ये बी आर इसको बिल्स रिसीवेबल लिखा है, इसको आप बी आर भी कह सकते हैं। ये दोनों चीजें हैं, ये आपके बी आर एसेट्स है और ये आपका बीपी दायित्व है, ये आपका अलग से पूरा रेशन आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आपको समझा रहा हूँ इसका जो नियम क्या है, तीन इसमें खंड किए मैंने, नंबर एक गुड्स के बारे में, ये पांच गुड्स है, उसके बाद में एसेट्स के बारे में पुनः समय लिखा है मैंने आपको, दायित्व में लिखा है सर बिल्स पेबल। अब इसका नियम आपको लिखा रहा हूँ, इस नियम को इसको पढ़े अच्छे से, नेक्स्ट पेपर लूंगा या इस पर वस्तुगत खाते का नियम, वस्तुगत खाते का नियम जब आप जनरल पढ़ेंगे रोजनामचा बहुत काम आ जाएंगे। आने वाली वस्तु को डेबिट डीआर करो, व्यापार में कोई वस्तु आती है इसको डेबिट करेंगे, डीआर करेंगे, तथा जाने वाली वस्तु को क्रेडिट यानी सीआर करो, डेबिट नाम क्रेडिट है जमा। आने वाली वस्तु को डीआर कीजिए और जाने वाली वस्तु को सीआर कीजिए, दो खाते लिए। और नेक्स्ट में आपके अगले वीडियो में तीसरा खाते नंबर नाबालिग खाता और साइज के बीच में है, एक एक सब की मैं करूंगा, मैं इसको आप अच्छे से याद करें। नेक्स्ट है वो अगले वीडियो में, धन्यवाद।